आपका नाम क्या है? शीला देवी। आप पेशे से क्या करती हैं? बिजनेस की रौनक, यही दुकान। तो आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है? नहीं। क्यों नहीं लिया? यही हल्ला हो जाए, खत्म हो जाए यही खतरा। तो लेना चाहिए ना वैक्सीन? आएगा तो ले लेंगे। उपलब्ध नहीं है क्या यहाँ पे सुविधाएं? सुविधा नहीं है यहाँ। अगर मिलेगा तो लेंगे ना। जिसको तकलीफ है उधर से इलाज भी करवाने के लिए नहीं जाता है। तो बाबा वैक्सीन लिए है? टीका बड़ा टीका, कोरोना का टीका। हम है 8% पूरा है, वो टीका लेंगे हम बचेंगे? बच जाएंगे बाबा, टीका लेने से ही आप सुरक्षित रहेंगे। हार्ट ब्लॉक हम क्या को देखे मर गया। उनका शारीरिक रूप से कमजोर थे वो। हम 8% है, 8% है, तो हम थमेंगे वो उतना पावर का सुइया। अंजलि देवी। क्या करती हैं आप? रोजगार करती हैं। कोरोना का टीका लिया है आपने? नहीं। क्यों नहीं लिया? हम नहीं जानते हैं। तो आपको इसके बारे में कोई नहीं पता है? तो मिलेगा तो लेंगे ना, गांव में अगर सुविधा होगी कोरोना के टीका की तो लेंगे ना। होगा तब ना। बीना देवी। क्या करती हैं आप? घर में ऐसे घर का काम करते हैं। क्या चाहिए? कोरोना का टीका लिया है आपने? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हैं? यहाँ पर नहीं आए हैं। आप लोग को जानकारी नहीं है इस बारे में? जानकारी तो मिला, यहाँ मोदरा मिल रहा था इसलिए नहीं जानकारी था तब तक। तो टीका अगर सुविधा होगी गांव में तो लेंगे ना टीका? जरूर लेंगे। और वैक्सीन लिया है आपने कोरोना का? अभी तक मिला नहीं। क्यों नहीं लिया आपने? अभी तक मिला ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया? कुछ पता नहीं है कैसे किया जाता है नहीं किया जाता है, लेकिन वैक्सीन तो लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, मिलेगा जब ही तो उपलब्ध होगा यहाँ तभी तो लेंगे। मिलेगा तो लेंगे। टीका लगाया आपने कोरोना का? कोरोना का टीका हमको उम्र नहीं पूरा है अभी ना। लग तो रहा 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को। नहीं, तबीयत हमको हार्ड है ना, वो इससे नहीं सुइया पड़े। मैं शत्रुंजय मिश्र तपस समाहर्ता खगड़िया, मैंने दोनों टीका ले लिया है। फ्रंटलाइन होने के चलते मैंने मेरा दोनों टीका का डोज पूरा है। मुझे अभी तक किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा आत्मनिर्भरता का बोध होता है। आजकल क्षेत्र में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, फैली हैं, लोगों के मन में भ्रांतियाँ बनाई जा रही हैं कि टीका लेने से ये होगा वो होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझे देखें, मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह की भ्रांति फैलाने वालों को कि टीका लेने से कोई दिक्कत होगी, उन लोगों को चिन्हित करके हमें सूचित कीजिए, ये लोग समाज विरोधी काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिन लोगों को टीका नहीं लेने लायक है हमारे चिकित्सक और टीकाकर्मी खुद नहीं देंगे। उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किन लोगों को नहीं देना है। जितने सुपात्र लोग हैं वे अवश्य टीका लें, राष्ट्र और समाज को मजबूत बना। सर, इस कोरोना के काल में हैंड के सैनिटाइजर हैं या मास्क हैं वो कितना कारगर है और वैक्सीन कितना कारगर है? देखिए, ये तीनों जो है ना, मान लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है और सैनिटाइजर है, प्लस वैक्सीन, अगर ये चार चीज़ें जुड़ जाए आम पब्लिक के बीच तो कोविड का इन्फेक्शन उसे नहीं होगा।